पहले लिंग निर्धारण की विधियां चल रही थी अपनी, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण की मेथड आपकी चल रही है। देखिए लिंग निर्धारण के लिए मैंने कुछ विधियां बताई, अगर अपने बात करें सबसे पहले थ्योरी की तो वो है अपनी क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी, गुणसूत्रीय सिद्धांत, फिर आएगा अपना वातावरणीय सिद्धांत, फिर आएगा हार्मोनल सिद्धांत, फिर आएगा अपना मेटाबॉलिज्म थ्योरी। तो ये लिंग का निर्धारण करने के लिए जो जो घटक उत्तरदायी होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने इस विधि को नाम दे देते हैं। अपना पहला सिद्धांत चल रहा है लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, कौन सा सिद्धांत चल रहा है, गुणसूत्रीय सिद्धांत। और इस गुणसूत्रीय सिद्धांत का पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे नर क्या है, मेल क्या है, हेटेरोजाइगस, और फीमेल क्या है, होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस। अर्थात देखिए नर के अंदर दो प्रकार के यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जबकि मादा के अंदर एक ही प्रकार के ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है। मनुष्य के अंदर हमने ये देखा कि 44 क्रोमोसोम तो होते हैं ऑटोसोम, और दो क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एलोसोम। आप देखिए यदि इनके गेमेट बनेंगे, किसकी स्ट्रक्चर है ये, मादा की स्ट्रक्चर है, गेमेट बनेंगे तो ये एक ही प्रकार के ओव्यूम का फॉर्मेशन करेंगे, 22x और 22x, ठीक है, 23 क्रोमोसोम। ठीक इसी प्रकार बात करें अगर अपने मेल की, तो यहाँ पे 22 वाले टुकड़ों में टूटेंगे, 22 प्लस एक्स और एक्स वाई को अलग करें तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यहाँ दो प्रकार के क्या बने हैं, स्पर्म बने हैं। अर्थात यहाँ मेल क्या है, हेटेरोजाइगस है, और फीमेल क्या है, होमोजाइगस। तो ये पहला अपना प्रकार हो गया जहाँ पे नर क्या है, विषम युग्म की है, हेटेरोजाइगस है, और मादा क्या है, सम युग्म की है। इसका पहले प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, वर्णन कर दोगे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वर्णन करना है, रेखा चित्र बना के फिर वर्णन करना है, जो सामने दिखाई दे रहा है वही आपको समझाना है, ठीक है। कैसे वर्णन करोगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 पेयर होती है, इनमें से 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। 23वीं जोड़ा जो होता है वो एलोसोम कहलाता है, लिंगी गुणसूत्र होता है। मादा के अंदर एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, अर्थात मादा में एक ही प्रकार के ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है, जबकि नर के अंदर दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं, आधे स्पर्म एक्स क्रोमोसोम युक्त होते हैं और आधे वाई वाले। यदि वाई क्रोमोसोम युक्त स्पर्म का फ्यूजन किसके साथ हो, ओव्यूम के साथ हो, तो उत्पन्न होने वाली संतति लड़का होगी, और यदि एक्स क्रोमोसोम युक्त स्पर्म का फ्यूजन ओव्यूम के साथ हो तो उत्पन्न होने वाली संतति लड़की होती है। इस प्रकार मनुष्य में नर तथा मादा उत्पन्न होने की संभावना कितनी है, 50-50%, ठीक है। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, हेडिंग डालिए ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, कलमक्खी के अंदर लिंग का निर्धारण, इसमें लिखिए ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में, देखिए इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ड्रोसोफिला में रेनोगैस्ट्रिक के अंदर कलमक्खी के अंदर 14, ठीक है, हाँ सेम ही, 6 जोड़ी यहाँ क्या है, ऑटोसोम, ठीक है, प्लस एक जोड़ी क्या है, एलोसोम, एलोसोम, तो संख्या कितनी होगी, 14 होगी ना। अब देखिए अगर अपने एलोसोम को मान ले ए ए, ठीक है, और ऑटोसोम को अपने क्या माने, एक्स वाई तथा एक्स एक्स, तो देखिए यहाँ सेम स्थिति होगी ना, अगर इनकी अपने स्थिति को रोक दें, मतलब ये कितने हैं ऑटोसोम कितने हैं, इनको अगर अपन छोड़ दें तो मनुष्य में मादा के अंदर एक्स एक्स ही है, ठीक है, और नर के अंदर एक्स वाई है, तो हम कहते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर लिंग का निर्धारण किसके समान होता है, मनुष्य के समान होता है, ठीक है।
ये क्रोमोसोम नंबर हालांकि इनमें अलग है, लेकिन जो आपका वन पेयर जो एलोसोम का है ना वो एक समान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटोसोम और आगे वाले ये क्या हो जाएंगे, एलोसोम हो जाएंगे। गेमेट बनाओ, टी ए प्लस एक्स और टी ए प्लस वाई, ये स्थिति किसमें होती है, ये स्थिति किसमें होती है, अपने प्रकार कौन सा पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मेल हेटेरोजाइगस और फीमेल होमोजाइगस, तो ये स्थिति किसमें होगी, मेल के अंदर होगी। थ्री इंटू टू, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसे, सिक्स ए वो लिखेंगे ना अपने, तो वो ये लिखेंगे सिक्स ए ए, तब ये अपने ट्वेल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये पैटर्न करते हैं। तो ये स्थिति किसकी होगी, मेल ड्रोसोफिला की, और ये स्थिति किसकी होगी, फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक है, फीमेल ड्रोसोफिला की। अब इधर अपने गैमेट बनाएंगे तो टी ए प्लस एक्स और टी ए प्लस एक्स, ये क्या है, ओव्यूम स्पर्म, बस एक समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ इतना ध्यान रखना कि ये जो ऑटोसोम पाए जाते हैं ना, एलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनकी संख्या इनमें कितनी होती है, थ्री पेयर होती है, सिक्स होती है, ठीक है। तो लिखिए ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण मनुष्य के समान होता है, मनुष्य के समान होता है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण मनुष्य के समान होता है, अर्थात यहाँ, अर्थात यहाँ नर हेटेरोजाइगस, अर्थात यहाँ नर हेटेरोजाइगस तथा मादा, तथा मादा होमोजाइगस होती है, होमोजाइगस होती है, होमोजाइगस होती है, फल मक्खी में, फल मक्खी में तीन जोड़ी ऑटोसोम, तीन जोड़ी ऑटोसोम तथा एक जोड़ी एलोसोम पाए जाते हैं, एक जोड़ी एलोसोम पाए जाते हैं, एक जोड़ी एलोसोम पाए जाते हैं, मादा में, मादा में एक ही प्रकार के ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है, मादा में एक ही प्रकार के ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है, जबकि नर में, जबकि नर में दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं, नर में दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं, दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं, दस लगा के लिखिए, एक्स गुणसूत्र युक्त विद एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र युक्त तथा एक्स गुणसूत्र रहित, एक्स गुणसूत्र युक्त तथा वाई गुणसूत्र युक्त, वाई गुणसूत्र युक्त, एक्स गुणसूत्र युक्त तथा वाई गुणसूत्र युक्त। देखिए ये, अब देखिए इनका अगर हम निषेचन कराएं, फ्यूजन करवाएं, तो बताइए यहाँ कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, इसके लिए बताइए, सिंपल सा तरीका है, अगर इस विधि के द्वारा आपको मिलान करना नहीं आता है तो कौन सी विधि काम में लोगी, चेकर बोर्ड मेथड, वो हर किसी में लागू होती है, चाहे आपका जूलॉजी का पार्ट हो, चाहे आपका बोटनी का, चाहे आपका पादप से संबंधित कार्य हो,
या फिर आपका जंतुओं से संबंधित। तो देखिए यहाँ क्रिए किसके साथ मिल रहा है, इस 3ax के साथ ना, तो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, 3aa प्लस xx, ये संरचना बनेगी ना। यहाँ देखिए कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, 3aa, इसके सामने कौन जुड़ा हुआ है, x वाला जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्या है, y है ना, प्लस ये स्ट्रक्चर बन गई। इसमें देखिए 3ax इसके साथ कौन जुड़ा है, x जुड़ा हुआ है ना, 3a प्लस क्या आ जाएगा, एक्स एक्स, और लास्ट वाली सिचुएशन में देखिए क्या है, एक्स एक्स, कौन सी स्थिति आ गई, 3aa प्लस एक्स वाई, कौन सी संतति होगी यहाँ, मादा, फिर यहाँ नर, फिर और फिर मेल, अर्थात यहाँ मेल की कितने प्रतिशत संभावना है, 50%, और फीमेल के बनने की संभावना क्या है, 50%, ठीक है। तो ये इनका संतति के अंदर अनुपात रह जाएगा, बना लीजिए चक्र, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्ट, ठीक है। पहले आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तब पहले आपको क्या करना है, ये रेखा चित्र बनाना है और उसके बाद इसका वर्णन करना है, ठीक है। वर्णन इसको देख के ही बाद में करना है आपको, रटना कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये अपनी पहली स्थिति कौन सी होगी, जहाँ मेल के हैं बताइए, मेल क्या है, हेटेरोजाइगस है, और फीमेल क्या है, होमोजाइगस, यही नाम लिखा होगा शायद हमने, जहाँ नर विषमयुग्मकी और मादा समयुग्मकी, ठीक है। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए अपने, मनुष्य में लिंग निर्धारण और ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। और सिद्धांत कौन सा चल रहा है अपना, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत, और गुणसूत्रीय सिद्धांत में विषम युग्मकी सिद्धांत, ठीक है, समान असमान युग्मकों का सिद्धांत। अगली थ्योरी कौन सी आएगी, क्रोमोसोमल थ्योरी का अगला प्रकार कौन सा आएगा, उल्टा कर दो, यहाँ मेल क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस हो जाएंगे, और फीमेल क्या हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस। दूसरा प्रकार होगा अपना नर समयुग्मकी तथा मादा विषमयुग्मकी, ठीक है, मेल होमोजाइगस एंड फीमेल, हाँ आठ होगी, आठ ही क्रोमोसोम, ठीक है, छह और एक साथ चौथ जोड़ी है, ठीक है, छः और दो आठ, ठीक है, आठ ही होती है, वो तो सेवन पेयर हो जाएंगे ना, सेवन पेयर कहाँ लिखा है, लिखा है पहले,
बरम है क्या तीन जोड़ी ऑटो सम और एक जोड़ी एलो सम, टोटल कितनी जोड़ी होगी? चार जोड़ी, ठीक है। हाँ, सात जोड़ी मटर के अंदर होते हैं, फाइव सम से फाइव एम, ठीक है। अगला निकालिए, दो नंबर दो लगा की लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? मेल हेटेरोजाइगस और फीमेल होमोजाइगस। दूसरा सिद्धांत लिखिए, मेल होमोजाइगस और फीमेल हेटेरोजाइगस। नर समयुग्मकी तथा मादा विषमयुग्मकी। नर समयुग्मकी तथा मादा विषमयुग्मकी। नर समयुग्मकी तथा मादा विषमयुग्मकी। हाँ, दो नंबर, एक नंबर यह था नर विषमयुग्मकी तथा मादा समयुग्मकी, ठीक है। तो यहाँ पे नर क्या होएगा? समयुग्मकी होएगा, अर्थात नर में एक ही प्रकार के क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे, और मादा में दो प्रकार के ओव्यूम बनेंगे। बताइए किसमें फायदा होता है? यह स्थिति किसमें होती है? एक तो पक्षियों में हो गई, जिसको अपन पढ़ेंगे जेड 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 डब्ल्यू मेथड के द्वारा, और दूसरा सलब वगैरह तितली वगैरह होती है ना, इनके अंदर ये स्थिति पाई जाती है। तो इसका पहला एग्जाम्पल आप लिखिए, तितली सलभ, तितली सलभ तथा मछलियों में, तितली सलभ तथा मछलियों में, मछलियों में मादा दो प्रकार के अंडे उत्पन्न करती है। मादा छोटे 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 कीट होते हैं ना, सलभ मोथ वाले वो होते हैं, माइट्स से संबंधित, बरुत्थी से संबंधित जो इकाइयाँ होती है ना, उनको सलभ या कीट, बरुत्थी नहीं, माइट्स नहीं जानते। पौधे को हिलाओगे ना तो वो छोटे छोटे कीट से उड़ते हुए दिखाई देंगे, वो सारे माइट्स में ही आते हैं, ठीक है। उनके सदस्य जो कीट होते हैं वो इस सलभ के अंतर्गत रखे जाते हैं। पंखों वाले से वो होते हैं और निकलते हैं जो बारिश के मौसम के अंदर, है मोथ जिनको हम बोलते हैं ना, मोथ वो सलभ होते हैं। मादा दो प्रकार के अंडे उत्पन्न करती है, जबकि नर एक ही प्रकार के, जबकि नर एक ही प्रकार की शुक्राणु उत्पन्न करता है। नर एक ही प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है, एक ही प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है। अब यहाँ स्थिति उल्टी हो जाएगी। देखिए, अगर अपन एग्जांपल ले तितली का, तो इसके अंदर 27 जोड़ी क्रोमोसोम तो पाए जाते हैं इसके ऑटोसोम के, और एक जोड़ी किसके पाए जाएंगे? एलोसोम, ठीक है। अगर अपन बात करें नर की, तो बताइए नर के अंदर, यहाँ मैंने क्या लिखा है? होमोजाइगस स्थिति है ना, तो नर के अंदर एक्स एक्स आ जाएगा। और अगर बात करें मादा की, तो मादा के अंदर क्या आएगा? एक्स वाई। यहाँ उल्टी स्थिति होगी, ध्यान रखना, एक मेल को दर्शाता है और ये फीमेल को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए, नर के अंदर जो स्पर्म बनेंगे, उन शुक्राणुओं में 27 ए प्लस एक्स और 27 ए प्लस एक्स, अर्थात एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु होंगे सारे के सारे। और यहाँ पे 27 ए प्लस एक्स और 27 ए प्लस वाई, तो यहाँ पे जो ओव्यूम बनते हैं वो दो प्रकार के क्रोमोसोम वाले होंगे, कुछ के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और कुछ में वाई क्रोमोसोम। तो लिखिए, तितली में दो प्रकार के अंडे एक्स तथा वाई गुणसूत्र युक्त, दो प्रकार के अंडे एक्स तथा वाई गुणसूत्र युक्त बनते हैं जबकि
जबकि एक ही प्रकार की स्पर्म का निर्माण होता है, जिनमें एक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है, इनमें भी संभावना क्या बन जाएगी, 50% नर और 50% मादा होती है, ठीक है, बना लेते चाहते हैं। ये इसकी क्या होगी, पेरेंट जनरेशन होगी और ये क्या बन गई, जेनेट बन गई। ये संतति कौन सी होगी, नर होगी या मादा होगी, यहाँ बताइए, तितली की ये संतति क्या होगी, नर हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये मेल होगा, फिर तो ये स्थिति किसमें पाई जाती है, ड्रोसोफिला के अंदर प्रेजेंट होती है, सॉरी किसके अंदर, तितली के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो ये स्थिति किसमें पाई जाती है, तितली के अंदर पाई जाती है। और इसमें पक्षियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है, तब आप ए ए के साथ यहाँ मेल के अंदर क्या लगाओगे, जेड जेड लगाओगे, और फीमेल के अंदर क्या लगाओगे, जेड डब्ल्यू लगाओगे। तितली के अंदर स्पर्म जो बनते हैं वो एक ही प्रकार के एक जैसे बनते हैं, प्रत्येक स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि ओव्यूम जो बनेंगे वो दो प्रकार के क्रोमोसोम वाले बनेंगे, आधे ऐसे होंगे जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और आधे ऐसे होंगे जिनके अंदर वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, या फिर पक्षियों में लिंग निर्धारण को समझाइए, या फिर ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये क्रोमोसोम नंबर याद न रहे ना, तो इसका सिंपल तरीका याद रखना क्या लगाओगे, यहाँ पे ए ए, ठीक है, फोटो क्या लगा दोगे, ए ए लगा दोगे, ठीक है, और ये अपने एक्स स्थाई सिलिका उसके स्थान पे क्या कर दोगे, ए एक्स, फिर ए एक्स, और ये संख्या हटाने के पश्चात दोबारा से ये अपनी संतति प्राप्त हो जाएगी, वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने मनुष्य के लिए वर्णन करना चाहे तो 44 प्लस एक्स वाई से भी कर सकते हैं अपने वर्णन, और ए ए प्लस एक्स वाई से भी कर सकते हैं, यहाँ ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई दो प्रकार की स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, तो ये वर्णन भी अपने किया जा सकता है। कर लिया, ये हेडिंग डालिए अगले उदाहरण की, पक्षियों में लिंग निर्धारण, इसी का प्रकार चल रहा है, अलग से टॉपिक नहीं है, ठीक है, पक्षियों में लिंग निर्धारण, प्रकार कौन सा चल रहा है, फीमेल हेटेरोजाइगस और मेल होमोजाइगस, पक्षियों में लिंग निर्धारण, इसमें लिखी पक्षियों में नर संयुग्मकी, मेल क्या होता है, होमोजाइगस, पक्षियों में नर संयुग्मकी तथा मादा विषमयुग्मकी होते हैं, मादा विषम युग्मकी होते हैं, यहां लिंग निर्धारण हेतु
यहाँ लिंग निर्धारण हेतु जेड तथा डब्लू गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। जेड तथा डब्लू गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। नर में एक ही प्रकार के शुक्राणु जिनमें केवल जेड गुणसूत्र उपस्थित होता है जबकि मादा में दो प्रकार के अंडाणु उपस्थित होते हैं दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं कुछ अंडाणुओं में जेड गुणसूत्र जबकि कुछ अंडाणुओं में डब्लू गुणसूत्र पाया जाता है यदि जेड गुणसूत्र वाले अंडाणु निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं तो नर पक्षी उत्पन्न होगा तथा डब्लू गुणसूत्र वाले अंडाणु के भाग ले मादा पक्षी का विकास होगा। देखिए इनका विधान कैसे करते हैं, सिंपल सा है, आपको वो उल्टा पुल्टा झंझट में नहीं पढ़ना है। वैसे याद नहीं रहे तो सिंपल सा तरीका मैंने बताया ना, चेक कर बोर्ड वाला, दो के नीचे लाइन खींचो और फिर पहले वाले से और दूसरे वाले को यहाँ फिर लाइन खींचो, इधर वाले से मिला दो और जो बच गया उसको यहाँ से, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, लाइन खींच के पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से, इधर से लाइन खींच के दूसरे वाले से, फिर पहले वाले से, ठीक है। सीधा संविधान करना है, बताइए यहाँ क्या बनेगा। ए ए प्लस ये रेखा कहाँ जा रही है, जेड के पास ना, जेड। फिर देखिए ए ए और ये दूसरी रेखा कहाँ जा रही है, डब्लू के पास। यहाँ देखिए जेड और यहाँ जेड और यहाँ देखिए क्या है, डब्लू और ये रेखा कहाँ आ रही है, जेड के पास, ठीक है। तो ए ए जेड डब्लू, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मेल नर पक्षी, फिर मादा पक्षी, फिर नर पक्षी और फिर मादा, ठीक है।
तो यहाँ भी संभावना मेल और फीमेल की कितनी होगी, 50-50। पचास पचास प्रतिशत इनकी संभावना है। तो देखिए अपने पहला सिद्धांत चल रहा है कौन सा, समयुग्म की विषम युग्म की सिद्धांत, ठीक है। और समयुग्म की होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जो थ्योरी है इसके दो प्रकार हमने पढ़ रखे हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा पढ़ा, जहां मेल क्या है हेटेरोजाइगस, ठीक है, और फीमेल क्या है होमोजाइगस। और इसके उदाहरण हमने कौन से देखी बताइए, इसके एग्जांपल बताइए, मनुष्य और ड्रोसोफिला, ठीक है। दूसरी स्थिति यहाँ मेल क्या होंगे होमोजाइगस और फीमेल क्या है हेटेरोजाइगस। और इसके एग्जांपल हमने कौन से देखी, पक्षी और मछलियां होगी या फिर तितलियां होगी, ठीक है, ये एग्जांपल। तो ये अपने दो प्रकार होगी कि इसके समयुग्म की विषम युग्म की सिद्धांत की, जहां पहले में हमने नर को विषम युग्म जी कहा है और मादा को समयुग्म जी कहा है, दूसरे में हमने नर को समयुग्म की कहा है और मादा को विषम युग्म की कहा है, ठीक है। एग्जांपल आपको अच्छी तरह से याद रखने, सीधे एग्जांपल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण को समझाइए, पहले रेखा चित्र बनाना है फिर आपको वर्णन करना है। मनुष्य में पूछे, ड्रोसोफिला में पूछे, किसी में भी पूछा जा सकता है, इन तीन में ही सामान्यतः नाम दे के पूछते हैं, इसके अलावा नहीं पूछते। चौथा अगर पूछेंगे तो कीटों के अंदर पूछेंगे, ठीक है। तो ये पहला प्रकार हो गया अपना कौन सा, समयुग्म की विषम युग्म की या असमान युग्मकों का सिद्धांत, ठीक है। अगली मेथड लिखिए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस मेथड हो गई। अगली मेथड लिखिए, अगला प्रकार लिखिए एक्स 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 जीरो प्रकार, एक्स 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 जीरो प्रकार। एक्स 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 जीरो प्रकार किसी नाम से पूछता है, वो एक्स 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 जीरो प्रकार को समझाएगी। अब देखिए एक्स 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 जीरो प्रकार है क्या, ये क्या है, कीट का, कौन से कीट का क्रोमोसोमल फॉर्मूला, मादा का, ठीक है। और ये किसका है, नर का। यहाँ ध्यान दीजिए, मादा के अंदर एक ही प्रकार के युग्म है ना, और नर के अंदर दो प्रकार के बन रहे हैं। कुछ ऐसे गैमेट, कुछ ऐसे स्पर्म जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे स्पर्म जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, उसको जीरो के द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ फीमेल क्या है होमोजाइगस और मेल क्या हो गया हेटेरोजाइगस, किसका एग्जांपल हो जाएगा, मेल हेटेरोजाइगस और फीमेल होमोजाइगस। लेकिन इसको स्पेशली नाम एक्स 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 जीरो मेथड के द्वारा ही पढ़ा जाता है, ठीक है। आएगा ये किसमें, मेल हेटेरोजाइगस और फीमेल होमोजाइगस, इसमें इसका अगला एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए एक्स 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 जीरो में लिखिए, कीटों में ही एक्स 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 जीरो विधि द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, कीटों में एक्स 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 जीरो विधि द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है, जहां मादा में एक ही प्रकार के अंडाणु, मादा में एक ही प्रकार के अंडाणु, ब्रैकेट में लिखना एक्स क्रोमोसोम युग, एक्स गुणसूत्र युग, एक ही प्रकार के अंडाणु, जबकि नर में दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं, नर में दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं, दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं,
कुछ शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, कुछ शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है जबकि कुछ शुक्राणुओं में एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। अब देखिए ये स्थिति किसकी होगी, नर है मादा है, मेल है या फीमेल है, बताइए। मैंने क्या बताया, मेल हेटेरोजाइगस, यहाँ हेटेरोजाइगस आपको दिखाई दे रहा है या यहाँ, पहले वाली स्थिति में ना एक्स जीरो, तो ये क्या हो जाएगा मेल और ये फीमेल। एग्जांपल है आपका टीडा, टीडे ले लीजिए, ठीक है। तो टीडे के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं 11 जोड़ी तो होते हैं अपने ऑटोसोम और एक जोड़ी क्या होता है एलोसोम होता है, ठीक है। यहाँ देखिए दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे, 11 ए प्लस एक्स और 11 ए प्लस क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। एक्स को अपने एब्सेंट दिखा रहे हैं तो यहाँ इसके स्थान पे क्या आ जाएगा जीरो। इधर देखिए 11 ए प्लस एक्स और 11 ए प्लस एक्स, दो प्रकार के क्या बने हैं यहाँ स्प्रम बने हैं और एक ही प्रकार के क्या बने हैं ओव्यूम बने हैं, ठीक है। इसी कारण मेल क्या है हेटेरोजाइगस और फीमेल क्या है होमोजाइगस, मिला दो। बताइए पहली स्थिति में 11 ए ए प्लस दूसरी रेखा कहाँ जा रही है x के पास, इधर भी क्या है x, ये लो x, इसमें बताइए 11 ए ए स्वयं के पास x है क्या, है क्या नहीं है ना, और ये रेखा कहाँ जा रही है x के पास, तो 11 ए ए प्लस क्या हो जाएगा x जीरो। इसमें 11 ए ए और यहाँ x है, ये रेखा भी x के पास आ रही है, तो ये टीटा कौन सा होगा बताइए, मादा। फीमेल, फिर फीमेल और फिर मेल, ठीक है। तो ये हो गया पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण, ठीक है, पक्षियों के अंदर लिंग निर्धारण, ठीक है, कीटों के अंदर भी, ठीक है। इसमें हो गया कीटों, पक्षियों में कौन सा हो जाएगा जेड 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 डब्ल्यू, ठीक है। तो ये कीटों में इंसेक्ट के अंदर लिंग निर्धारण हो गया। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कीटे में लिंग निर्धारण को समझाइए, कीटे में लिंग निर्धारण, देखिए अगर नाम नहीं दिया हो और सीधा पूछ लिया जाएगा कि कीटों में लिंग निर्धारण को समझाइए, तब इसके शॉर्टकट मेथड क्या है, एलोसोम का क्रोमोसोम नंबर मत लगाओ, यहाँ क्या लिखोगे सिर्फ, ठीक है। और अगर अपने को याद भी नहीं है ना क्रोमोसोम नंबर, तो भी यहाँ सीधा अपने ऑटोसोम को बिना क्रोमोसोम नंबर के आप दर्शाओगे, एलोसोम के लिए आप सीधा सिंबल यूज काम में ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रकार कंप्लीट, कौन सा विषम युग्मकी समयुग्मकी सिद्धांत, ठीक है। पहले तरीके में हमने क्या देखा कि पहले तरीके में मेल क्या है हेटेरोजाइगस और फीमेल क्या है होमोजाइगस। एग्जांपल हमने कौन सा लिया था, आदमी का ड्रोसोफिला का और कीटों का लिया, ठीक है। और दूसरी स्थिति में मेल क्या है होमोजाइगस और फीमेल क्या है हेटेरोजाइगस, ठीक है, फीमेल क्या है हेटेरोजाइगस, और इसका एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया था पक्षियों का, ठीक है। तो ये अपना पहला सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। अगला अपना जो सिद्धांत है वो है जीन संतुलन का सिद्धांत, और वो हम करेंगे